आज की जो क्लास है उसमें एमएस वर्ड में हम व्यू टैब में मैक्रो ऑप्शन के बारे में समझेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैक्रो ऑप्शन जो है वो डेवलपर टूल के अंदर भी आपको मिलेगा। इसमें हम एमएस वर्ड में कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं या कुछ हम विजुअल बेसिक के कोड को ऐड कर सकते हैं या अपनी एक्टिविटी को ट्रेस करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो मैक्रो जो है उससे हम कुछ एडिशनल फीचर्स या प्लगइन्स को इसमें ऐड कर सकते हैं या ऐड किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ फीचर्स जो हम एडिशनल फीचर्स या यूजर डिफाइंड फीचर्स हैं उनको अगर ऐड करना चाहते हैं तो मैक्रो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं कि मैक्रो का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैक्रो को यूज़ करने का दो तरीका होता है। सबसे पहले पहला जो आसान सर तो पहला जो तरीका हमारे पास है वो है रिकॉर्ड मैक्रो। इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर विजुअल बेसिक के एडिटर से हम यहाँ पर अपने फॉर्म्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आगे रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैक्रो को, ये देखेंगे हम लोग। क्लियर है? रिकॉर्ड करने के लिए हमको सबसे पहले व्यू ऑप्शन में जाना होगा और उसके बाद मैक्रो में जा करके हमें रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को यूज़ करना होगा। क्लियर है? तो रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमको रिकॉर्ड मैक्रो का एक डायलॉग बॉक्स आएगा और मैक्रो रिकॉर्डिंग का नाम भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ साई कॉलेज। मैंने मैक्रो का नाम दे दिया साई कॉलेज 1। ध्यान दीजिए, मैंने मैक्रो का नाम दिया है साई कॉलेज 1। क्लियर है? और मैंने यहाँ पर ओके किया और जैसे ही मैं ओके करूँगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मोबाइल पर कोई पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर ओके किया, इस प्रोसीजर नेम में यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया था। ओके, आपको स्पेस नहीं देना है, कोई जो भी नाम आप वहाँ रखेंगे स्पेस नहीं देना है। अब आप कर्सर को देख पा रहे हैं कि उसके नीचे कैसेट का साइन आ रहा है। कैसेट का साइन आने का मतलब है कि आपका जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड हो रही है, ट्रेस की जा रही है। तो ये जो भी एक्टिविटी अब आप यहाँ पर करेंगे वो एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली जाएगी एमएस वर्ड के द्वारा मैक्रो में। तो मैं सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने मैक्रो, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा साइन कॉलेज। क्लियर है? यहाँ पर मैंने जो भी एक्टिविटी की है मैंने यहाँ पर लिखा साई कॉलेज। साई कॉलेज लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर देखिए इसको बोल्ड कर रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं होम में जा कर के बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद मैंने इसकी साइज को बढ़ा दिया 36। और तीसरा काम मैंने किया इसका कलर रेड कर दिया। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर तीन काम किए हैं। मैंने साइंस कॉलेज लिखा, उसको बोल्ड किया, उसको साइज इंक्रीज कर दिया और उसका कलर रेड कर दिया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर है? अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करना चाह रहा हूँ तो फिर से व्यू में जाऊँगा, मैक्रो में जाऊँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज भी कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने, मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। और मैक्रो जो है कोडिंग के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि मैक्रो को, जो रिकॉर्डेड मैक्रो है उसको हम देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा और हम उसको कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं व्यू मैक्रो में जाऊंगा। ये हमारा दिख रहा है साइंस कॉलेज 1। और इसको मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा
तो ये हमको मैक्रो यहाँ कोडिंग के फॉर्म में दिखाई देगा। देखिए ये कोड जो है, या तो हम इस कोड को लिख सकते हैं, और अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोड है साई कॉलेज वन नाम का, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन वन डॉट टाइप टेक्स्ट इक्वल टू साई कॉलेज, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उसका जो वर्ड काउंट है वो 11 होगा। वर्ड काउंट को भी सेट कर दिया इसने, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज ये कर दी, फॉन्ट का कलर रेड कर दिया। क्लियर है। अब इस मैक्रो को मैं रन करा सकता हूँ। रन कैसे कराएंगे देखते हैं। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर रन करा रहा हूँ। अब मैं जब भी इस मैक्रो में जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा और व्यू मैक्रो में जा कर के इसको रन कर दूँगा, तो मैंने जो जो काम किए थे, मैंने क्या क्या काम किया, पहले साई कॉलेज लिखा मैंने, उसके बाद उसका फॉन्ट साइज बड़ा किया, बोल्ड किया और कलर रेड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं रन करूँगा तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, साई कॉलेज वो लिखा, साई कॉलेज को बोल्ड किया, साई कॉलेज को कलर रेड किया, फॉन्ट साइज ऐसे कर दिया। ठीक है। अब इस मैक्रो में मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं कोड में भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कोड को सेट कर लेता हूँ। देखिए मैं फिर से व्यू में जाता हूँ, मैक्रो में जाता हूँ, व्यू मैक्रो में जा करके इसको एडिट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मैक्रो को रन करूँ तो वहाँ पर साई कॉलेज के बदले भिलाई लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो साई कॉलेज भिलाई ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, या भिलाई लिखा हुआ आना चाहिए। तो जब भी मैं इस मैक्रो को रन करूँगा तो भिलाई लिखा हुआ आएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर से मैक्रो में गया, मैं व्यू मैक्रो और रन में गया, देखिए भिलाई लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया है वो इस तरीके से कवर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, जैसे साइन, मतलब जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को मैंने अप्लाई कर दिया था उसमें, और क्लियर है, और मैंने इसका कलर जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैंने यहाँ पर व्यू में गया और यहाँ पर मैक्रो में जा कर के रन कर दूंगा, तो वो उसको भिलाई वाला जो हिस्सा है वो रिपीट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं मैक्रो से डिज़ाइन कर सकता हूँ कि कैसा जो काम है, यूज़र डिफाइंड जो टास्क है मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। क्लियर है। जैसे मुझे बार बार मान लीजिए एक शेप को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये शेप को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने मैक्रो बनाया। जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इजी नहीं है, और आप उससे आसानी से समझ सकते हैं कि मैक्रो का रोल क्या है। एक्चुअली यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला पर्पज़ हमको उतना क्लियर नहीं होता है, बट रिकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो क्लियर होती है। अब मैं यहाँ पर जो मैक्रो का डिज़ाइनिंग दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर व्यू मैक्रो में गया मैंने, यहाँ पर इसको एडिट कर दिया मैंने, और एडिट करने के बाद इंसर्ट यूज़र फॉर्म, मैंने एक फॉर्म इंसर्ट कर दिया है, और यूज़र फॉर्म को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जानबूझ के ऐसे नाम लिख रहा हूँ जो यूज़र डिफाइंड हो, साइन कॉलेज। उसके बाद मैं यहाँ पर जो यूज़र कंट्रोल्स हैं वो इनपुट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये इनपुट कर दिया, एंटर योर नेम मैंने इनपुट कर दिया, ये लिखा, और फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और मैंने बटन बना दिया, बटन पे मैंने फाइंड लिख दिया, जो भी मुझे लिखना है मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है। इस फॉर्म को मैं कॉल करूंगा मैक्रो के थ्रू, अपने मैक्रो के थ्रू फॉर्म करूँ कॉल कर लूंगा इसको। मैंने इसका नाम रखा यूज़र फॉर्म 3, इसका जो नाम है वो है यूज़र फॉर्म 3। क्लियर। इसकी कॉलिंग कैसे होगी देखते हैं। सॉरी, इसमें मैंने डिज़ाइन कर दिया क्या, यूज़र फॉर्म 3 में ही कर देते हैं। चलो अब मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, कमेंट मतलब होता है डिलीट कर देना। क्लियर।
अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजर फॉर्म 3.show, ध्यान देना है मैं यहाँ पर लिखा यूजर फॉर्म 3.show और मैक्रो को बंद कर दिया, मैक्रो मेरा बंद है। अब देखिए मैं यहाँ व्यू में जाता हूँ, मैक्रो में जाता हूँ, व्यू में गया, साइन कॉलेज को रन किया, तो देखिए ये वाला फॉर्म आया। ऐसा कोई फॉर्म पहले से एमएस वर्ड में नहीं बनाया है, ये फॉर्म ऐसा है जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि पेज लेआउट में पैराग्राफ में आता है, देखिए ये जो बना हुआ है ऐसा सेम ऐसा मैं बना सकता हूँ मैक्रो में, डुप्लीकेट इसका, यानी ये जो बना है ये मैक्रो में ही बना है, ये पहले से बनी बनाई फीचर है, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ अपने फीचर में, या फिर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ ऐसा कुछ अपना खुद का एक्टिविटी जो है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो खुद का एक्टिविटी हम भी ऐड करके देख लेते हैं। फिर से मैं व्यू में जाता हूँ, मैक्रो में जाता हूँ, व्यू मैक्रो में गया मैंने और एडिट कर दिया, और इस कोड को मैं कट करता हूँ और यहाँ पर एक और सब फंक्शन बना देता हूँ, सब PRNT, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने और कमेंट हटा दिया, कमेंट मतलब वापस आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर कमेंट हटा दिया है और PRNT को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूजर फॉर्म 3 में मैंने कोड कर दिया, ये पूरा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, क्लियर है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये सब हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट रेड ढिलाई, ठीक है, ये मैंने लिखा प्रिंट रेड ढिलाई, मैक्रो बंद कर दिया। कोडिंग को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोडिंग थोड़ा समझ में नहीं आएगी, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, वर्ड जितना बड़ा नहीं है उससे कम से कम 1000 गुना बड़ा एरिया अकेला मैक्रो है। तो केवल मैक्रो का यूज़ हमको समझना है, मैक्रो के फ़ायदे समझने हैं, उसके उसकी कोडिंग आदि पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो देखिए मैंने यहाँ पर गया, मैक्रो में गया, साई कॉलेज को सेलेक्ट किया मैंने और रन कर दिया, तो देखिए ऐसा आ गया। ऐसा किसी दूसरे के एमएस वर्ड में नहीं दिखेगा, एमएस वर्ड में ये पहले से नहीं था, ये मैंने बनाया है, खुद का इंटरफेस डिज़ाइन किया है जो एमएस वर्ड में ऐसा बना हुआ है, क्लियर है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा। यस सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। डिस्कनेक्ट हो गया था, चलिए मैं फिर यहाँ रन करके दिखा रहा हूँ आपको। व्यू में गए, मैक्रो में गए, रन में गए, प्रिंट रेड ढिलाई, जैसे ही हमने यहाँ पर किया तो एक्सपेक्टेड फंक्शन ऑन वेरिएबल, यहाँ पर हमको एक वर्ड लिखना था सब, सेट हो गया है। हम रन कर देते हैं प्रिंट रेड ढिलाई, तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप देख पा रहे हैं कि जितने बार भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, इस मैक्रो को बंद कर रहा हूँ और कंट्रोल सेट कर देते हैं, मैं यहाँ पर जैसे भी लिखता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, व्यू में गया और मैंने यहाँ पे गया व्यू मैक्रो और इसको रन कर दिया साइन कॉलेज वाले को, तो ये वाला जो आ गया इसका काम है प्रिंट रेड ढिलाई। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए ये यहाँ पर रेड कलर का ढिलाई जो है प्रिंट कर दिया है, ठीक है, और जब मैं इसको दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ तो ये रेड कर दिया। तो मैंने एक फॉर्मेट सेट कर दिया है कि अब ढिलाई लिखना है और रेड करना है उसको, क्लियर। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक बटन बना सकता हूँ जो उसको बोल्ड कर सकता है, बोल्ड करने का बटन हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल्ड करने के लिए, बटन बनाने के लिए यहाँ पर हमको एक बटन बनाना होगा और उसमें लिखना होगा बोल्ड, ठीक है, इस बटन में मैं अगर लिखूंगा बोल्ड तो जो भी मेरा वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। ये बटन इसी तरीके से काम करेगा, ये बटन जो मैंने बनाया है ये सेम वही काम करेगा जो यहाँ पर ये वाला बटन काम कर रहा है। ये होम में ये वाला जो काम करता है ना वही काम करेगा ये।
है, तो प्रिंट भी लाई, प्रिंट भी लाई, प्रिंट भी लाई। आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए प्रिंट भिलाई लिखते ही वो भिलाई क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। तो ये जो काम था, ऐसा फॉर्म जो है वो पहले से बना हुआ नहीं है, हमने बनाया है। और मैक्रो में हम कोड करते हैं, मैक्रो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, कोई भी एडिशनल चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बताता हूँ, मैं यहाँ पर सबका ईमेल आईडी बनाता हूँ, मान लीजिए ऐसा लिस्ट बना रहा हूँ, abc.@gmail.com, फिर xyz@gmail.com, pqr@, यहाँ पर जो मैंने ईमेल आईडी बनाई है, मैं चाह रहा हूँ कि इस ईमेल आईडी को ओपन करेगा वो सारा सारा का सारा ओपन करते जाए और उस पर मेल भेजते जाए, मेल मर्ज करते जाए। तो यहाँ पर मेल मर्ज करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ईमेल्स को वो रीड करेगा और मेल भेजते जाएगा, क्लियर है। तो उसके लिए मुझे मैक्रो बनाना पड़ेगा और वो अपने आप में बड़ा एरिया है, कुछ उसमें कोड करना पड़ता है। तो मैक्रो का यूज़ समझ में आया, हम यूज़र डिफाइंड चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं, यूज़र डिफाइंड ऑप्शंस यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो ऑप्शन मैंने बनाया ये एक यूज़र डिफाइंड ऑप्शन था, और ऐसा आप कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं। जैसे मेल, मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा और पूरा मेल मर्ज यहाँ पर हो जाएगा। मैं एक बार क्लिक करूँगा, ये सारे मेल्स पर वो ईमेल भेज देगा, क्लियर है। तो ऐसा कुछ यूज़र डिफाइंड एडिशनल चीज़ें हमको बनाना है तो मैक्रो का यूज़ हम कर सकते हैं। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फिलहाल मैक्रो की रिकॉर्डिंग पे ध्यान देना, ना कि उसके कोड पे। ज्वाइन किए होंगे।